नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं YouTube का टेक्नोलॉजी चैनल टेक केयर हिमांशु। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर मोबाइल फ़ोन कौन सा लेना है, 2020 के हिसाब से कौन सा मोबाइल फ़ोन बेस्ट है और किस यूजर को कौन सा मोबाइल फ़ोन सूट करेगा या फिर लेना चाहिए। एक्चुअली ये जो चीज़ है बहुत ही कन्फ्यूजिंग वाली चीज़ है मोबाइल फ़ोन का सिलेक्शन, क्योंकि कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता है, या तो कोई प्राइस के हिसाब से सेटिस्फाई नहीं होगा या फिर कोई कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सेटिस्फाई नहीं होगा। अलग अलग टाइप के यूज़र होते हैं एक्चुअली, कोई पावर यूज़र होता है, कोई दिन रात स्क्रीन को ऑन रखना चाहता है, इंटरनेट को ऑन रखना चाहता है, और कुछ जो है वो सिर्फ और सिर्फ गेम खेलना चाहते हैं, 24 घंटा उस गेम में लगे रहते हैं, और कुछ जो होते हैं सिर्फ होम यूजर होते हैं, जैसे कि ओल्ड एज पीपल हो गए या फिर जो घर में लोग रहते हैं, हाउस वाइफ हो गई, इस तरह के जो उनको होम यूजर कह सकते हैं आप, ताकि वो ज़्यादा यूज नहीं करते, हैवी यूज नहीं करते 24 आवर्स, और 24 आवर्स उसको पकड़ के रगड़ते नहीं रहते मोबाइल को। तो अलग अलग टाइप के यूज़र हैं, वही हिसाब से अलग अलग टाइप के चॉइसेस हैं, और इसी वजह से कंपनियां जो हैं अलग अलग टाइप के वेरिएंट्स लॉन्च करती है। कोई 4.5 इंचेस का लॉन्च करता है, कोई 6 इंचेस का, कोई प्रो लिख देता है लास्ट में, कोई मैक्स लिख देता है लास्ट में, तो इस तरह की बातें होती है। तो दोस्तों, इसी तरह की बातें, साइंस टेक्नोलॉजी की बातें, वीडियोस, अनबॉक्सिंग हम इस चैनल को पर लेके आते रहते हैं। अगर आपको साइंस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड कलर में लिखा सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि इस पर डिस्कशन करने वाले हम कि कौन सा मोबाइल आपको लेना चाहिए और किस मोबाइल में लेते वक्त उसको क्या देखना है, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो बात आती है कि मोबाइल फ़ोन को यूज़ कौन करने वाला है। देखिए, एक कैटेगरी होती है गेमर्स की, जो गेम खेलते हैं उनको हैवी जीपीयू चाहिए, ओके, प्रोसेसर अच्छा चाहिए, उनको रैम अच्छा चाहिए, ठीक है, और डिस्प्ले भी बड़ा चाहिए, जिनको आप हैवी यूजर कर सकते हो। लेकिन एक और हैवी यूज़र का कैटेगरी होता है जो कि मोबाइल फ़ोन में वीडियो एडिटिंग करते हैं, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट ओपन करके रखते हैं। अब वीडियो एडिटिंग वाले को भी बड़ा सा स्क्रीन चाहिए, रैम तगड़ा चाहिए, प्रोसेसर तगड़ा चाहिए, ताकि वीडियो जो है प्रोसेस हो सके, ओके, रेंडर हो सके वीडियो वगैरह। और एक स्टॉक मार्केट वाले होते हैं जो दिन रात स्टॉक के स्क्रीन को ओपन रखते हैं, बार बार रिफ्रेश करते रहते हैं, उनको भी रैम हैवी चाहिए, बट उनको स्क्रीन छोटा रहेगा तो भी चल जाएगा, बट उनके केस में जो है ये बैटरी बहुत तगड़ी चाहिए, 5000 mAh के आसपास बैटरी जरूरी हो जाती है उनको, क्योंकि वो दिन भर लगे रहते हैं और रिफ्रेश करते रहते हैं। मैंने भी ये सब चीज़ें की हुई है, इसलिए मुझे पता है कि एक एक सेकंड, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है, रिफ्रेश करना रहता है, प्राइस को देखना रहता है स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्क्रीन की। स्क्रीन जो है 4.5 इंच का स्क्रीन आप ले सकते हो अगर आप होम यूज़र हो, ठीक है, और आपके पॉकेट में अगर आपको रखना कंफर्टेबल नहीं होता है, अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह ज़्यादा देखते हो तो आप 4.5 इंचेस का स्क्रीन ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीन जो है आपको LCD वगैरह भी चल जाएगी स्टॉक मार्केट वालों को, लेकिन जो लोग हैवी गेमर हैं, हैवी गेम खेलना पसंद करते हैं या फिर जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, उनके लिए जो है ये 6 इंचेस वगैरह की ज़रूरत हो जाती है स्क्रीन की। और जो लोग मूवी देखते हैं 24, उनको मैं तो सजेस्ट करूँगा कि मूवी देखने वालों को बड़ा स्क्रीन रहे तो ही अच्छा है, 6 इंचेस या फिर 5.9 इंचेस इस तरह का स्क्रीन हो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि वो मूवी को अच्छी तरह से यूज इंजॉय कर पाएँ, और मूवी देखने की वजह से 3-3 घंटे, 1.5 घंटे मूवी देखने की वजह से उनकी आँखों पर लोड ना आए, स्ट्रेन ना आए उनके आँखों के ऊपर। तो इन लोगों को बड़ा स्क्रीन होना चाहिए और स्टॉक मार्केट वालों को छोटा स्क्रीन होना चाहिए। होम यूजर्स भी छोटे स्क्रीन ले सकते हैं, अब डिपेंड करता है कि LCD ले या AMOLED ले। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट वाले हो तो आपको AMOLED से कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल IPS डिस्प्ले, LCD डिस्प्ले वाला आप स्क्रीन रख सकते हो, ताकि आपका बैटरी कंजम्पशन भी कम से कम रहे, अपनी ब्राइटनेस को कम करके रखिए। स्टॉक मार्केट वाले जो लोग हैं, जो कंटिन्यूस मोबाइल में डेटा और इंटरनेट और स्क्रीन ऑन रखते हैं वो लोग, मूवी देखने वालों के लिए AMOLED अच्छा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग बैठ के मूवी देखते हैं तो चार्जिंग में भी लगा सकते हैं, बट AMOLED मैं सजेस्ट नहीं करूँगा जो हैवी यूजर ये स्टॉक मार्केट वाले हैं उनके लिए। गेमर्स लोग AMOLED ले सकते हैं, क्योंकि वो भी बैठ के गेम खेलना है तो चार्जिंग लगा सकते हैं, क्योंकि AMOLED में आप मानो या ना मानो, लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि थोड़ा सा ज़्यादा बैटरी कंजम्पशन होता ही है। मैंने भी AMOLED बहुत सारे फ़ोन में यूज किए हुए हैं, तो थोड़ा सा बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा होता है, ऐसा मेरा मानना है।
तो इस तरह की बात है। और गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन तो अभी सब में ही आ रहा है, और अगर आपको बजट ना हो गोरिल्ला ग्लास में तो फिर आप मत जाइए। अगर आप स्टॉक मार्केट हो यूज करते हो, गेमर्स लोग गोरिल्ला ग्लास ले सकते हैं, क्योंकि जो पंच आता है कलर का और एमोलेडी में और गोरिल्ला ग्लास में एक अच्छा फील भी आता है, और जनरली फ़ोन वगैरह गिर जाए तो थोड़ा सा तो 1-2% तो प्रोटेक्शन होता ही है। होम यूजर के लिए गोरिल्ला ग्लास की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, बट वो भी रखें तो कोई हर्ज नहीं। अगर आपको उसी पैसे में उसी बजट में मिल रहा है गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट प्रोटेक्शन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर लेने में अपने को। तो होम यूजर्स के साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो घर में रहते हैं तो उनके हाथ से मोबाइल वगैरह गिर सकता है, तो उस केस में थोड़ा प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी की। तो बैटरी जो है फिलहाल 4000 और 5000 मिली एम्पियर आवर्स की चल रही है। अगर आप स्टॉक मार्केट के यूजर हो, गेमर हो, तो आपको मैं कहूँगा कि 5000 मिली एम्पियर आवर के बैटरी को लीजिए। 4700 4900 मिली एम्पियर, 5020 मिली एम्पियर, इस तरह का बैटरी को आप ये कंसिडर कीजिए, ठीक है। और डिपेंड करता है सबसे इंपॉर्टेंट तो प्राइस है, खैर इसकी बात हम लास्ट में करेंगे एक बार। तो ये है बैटरी की कहानी। फास्ट चार्जिंग जो है आपको मिल जाएगा 18 वैट में भी, 30 वैट में भी, 33 वैट में भी, ठीक है। फास्ट चार्जिंग मुझे नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप रात को एक बार लगा देते हो आपको दिन भर मोबाइल बराबर सपोर्ट करेगा, क्योंकि इनका बनाना इनका कैलकुलेशन भी इसी तरह से करते ही है कि अगर एक बार फुल चार्ज कर दे बैटरी को तो एक नॉर्मल एवरेज यूजर पावर प्लस नॉर्मल यूजर मिला करके 6-7 घंटे तो चलने ही चाहिए, 8 घंटे मोबाइल, तो इस तरह से ये इनका कैलकुलेशन भी है। तो इतना कोई डरने का बात नहीं है। फास्ट चार्जिंग को मुझे कभी उतना अच्छा नहीं लगा फास्ट चार्जिंग, क्योंकि 15 मिनट में फुल चार्ज क्यों करना है भाई, आधे घंटे में फुल चार्ज करना क्यों है, ठीक है। तो ऐसी बात है, तो आप 4700 5000 मिली एम्पियर आवर के बैटरी को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट वाले हैं तो 5000 कीजिए, नॉर्मल होम यूजर हो तो नॉर्मल आपके बजट के अनुसार 4000 वगैरह भी ले सकते हो, 4100 4200 4700 वगैरह भी ले सकते हो, ठीक ठाक है, ठीक है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कैमरा की। एक टाइप होता है, एक कैटेगरी कैमरा वालों के भी है जो कि एकदम मोबाइल फ़ोन को छोड़ते नहीं है, वो फोटोग्राफी करने के लिए कोई भी ऐसा प्रसंग या ऐसा मोमेंट नहीं छोड़ते हैं फ़ोटो खींचने के लिए, फ़ोटो निकालने के लिए। वो एक्चुअली बात ऐसी हो जाती है कि मोबाइल फ़ोन में जो कैमरा है ना, ये पोर्टेबल कैमरा है, इसको कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हैं, रात में दिन में। इतना बड़ा वाला जो कैमरा DSLR वाला जो होता है ना, उसको हम हर जगह हर मोमेंट पे अपने साथ नहीं रख सकते हैं, अपने साथ जो रहता है वो रहता है मोबाइल फ़ोन। तो कोई भी ऐसा प्रसंग मोमेंट, अच्छा सा सीन, फ्लावर कुछ मिला अच्छा, तो उसको हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों के लिए जो है ये 48 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल इस तरह के कैमरे आ गए हैं अभी मार्केट में। तो आप 48 मेगापिक्सल 68 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल आप ले सकते हो, बट एक बात बता देता हूँ कि सिर्फ मेगापिक्सल से कुछ भी नहीं होता, अपर्चर वगैरह भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हो तो मैं कहूँगा 1.8 इस तरह का अपर्चर लीजिए, क्योंकि अपर्चर जितना छोटा होता है उतना ही अच्छा होता है, ठीक है। तो ये कम से कम अपर्चर वाला मोबाइल फ़ोन लेने की कोशिश कीजिए। शटर स्पीड जिसका बहुत ज़्यादा हाई स्पीड हो वो लीजिए, ज़्यादा मेगापिक्सल वाला मिले तो ठीक है, वैसे मेगापिक्सल से कुछ नहीं होता जैसे कि मैंने बताया, लेकिन होता है कुछ ना कुछ तो होता ही है ना, सब कुछ थोड़ी ना होता है लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है। तो आपको कैमरा का लेंस भी देखना है, ठीक है। कार्ल जीसस लेंस वगैरह अगर आपको मिलता है, ये नोकिया यूज करता है, ये भी बहुत ही बेहतरीन लेंस है। लेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते हो गए या जानते हो गए तो आपको पता है कि लेंस का क्वालिटी कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो कार्ल जीसस लेंस लीजिए, ठीक है, 48 मेगापिक्सल का लीजिए, 4 कैमरे वाले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब मैक्रो फोटोग्राफी करते हैं हम नज़दीक का फ्लावर का जो फोटो लेते हैं ना, उस वक्त जो वाइड एंगल कैमरा अगर रहा ना तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता उस वक्त पे। मैक्रो फोटोग्राफी के लिए अलग लेंस चाहिए या अलग एपर्चर का कैमरा चाहिए रहता है, जो कि उस नज़दीक वाले फ़ोटो को, फूलों के अंदर के पराग को कैप्चर कर सके। तो इस तरह की बात है। तो अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो मैं कहूँगा थोड़ा ब्रांडेड वाले टाइप में जाइए। मैं पर्सनली जो है प्रिफर करता हूँ फोटोग्राफी के लिए है नोकिया का फ़ोन, बेहतरीन फोटोग्राफी है उसकी, और कार्ल जीसस लेंस है उसमें। सैमसंग के कैमरे बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है, ये दो ब्रांड, ये वन प्लस जो है इसके कैमरे भी बहुत ही अच्छे हैं, एप्पल के कैमरे अच्छे हैं। ये जो 3-4 ब्रांड मैंने बताया आपको, सैमसंग का कैमरा, नोकिया का कैमरा, एप्पल का कैमरा, वन प्लस का कैमरा, ये जो 4 नाम लिए मैंने, इनके कैमरे बहुत ही अच्छे होते हैं। इनके कैमरे से मैं पर्सनली बहुत ही खुश होता हूँ।
नहीं है, बहुत सारे केस में जैसे कि सैमसंग हो गया, ये आपको फोटोग्राफी में इमेज में रॉ इमेज भी देते हैं। अगर आप एडिटिंग करते हो फोटोग्राफी तो आपको पता होगा कि रॉ इमेज क्या होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं रॉ इमेज नहीं एक्सप्लेन करूँगा, बट आपको पता होना चाहिए अगर आप फोटोग्राफी करते हो तो रॉ इमेज क्या होता है, ठीक है। तो ये रॉ इमेज को सपोर्ट करते हैं ताकि आप उसको एडिट कर सको, आप उसको प्रोसेस कर सको उस इमेज को, और बाकी जो है कैमरे जो है वो बस ऐसे ही बस एक कैमरा देते हैं, बस 3-4 कैमरा लगा देते हैं, बट वो क्वालिटी जो है ना पंच नहीं होता है, मतलब वो फील नहीं आता है यार वो कैमरे का। जो फोटोग्राफर लोग हैं, जो फोटोग्राफी के शौकीन हैं, उनको पता है जो फील जो कहते हैं ना वो फील नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो 3-4 ब्रांड मैंने बताया इनके कैमरे बहुत ही अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, बट आप देखिए अपने बजट के हिसाब से चूज़ कीजिए। तो आप बात करते हैं दोस्तों रैम की, तो रैम जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी फिलहाल जो है 3 GB रैम, 4 GB रैम, 6 GB रैम, 8 GB रैम, 16 GB रैम ये चल रहे हैं, बट अभी 2020 के हिसाब से एक जो एवरेज यूजर है उसको मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आपको फ़ोन लेना है तो 1.5-2 साल तो चलाना है ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस अभी के हिसाब से ले लिया और रख दिया, ऐसा नहीं करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अब नया फ़ोन जब आप ले रहे हो तो आप 6 GB का रैम लीजिए, 6 GB लीजिए, 8 GB का रैम लीजिए, ठीक है। 16 GB इतना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप गेमर वगैरह हो, आपके पास बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 16 GB रैम लीजिए, 8 GB रैम लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक एवरेज यूजर के लिए 6 GB रैम, 8 GB रैम ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा है। अब इंटरनल मेमोरी जो है ये UFS 3.0 वगैरह मिल जाए तो अच्छा है। रैम की क्वालिटी अगर आप देखना चाहते हो तो आप देखिए कि LDDDR4X वगैरह मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। इंटरनल मेमोरी की जो क्वालिटी है वो आपको UFS 3.0 वगैरह मिले तो बहुत अच्छा है आपके बजट के अनुसार, ठीक है। होता क्या है, ये रैम में भी बहुत सारे वैरायटी हो जाते हैं, रैम तो स्पीड को बढ़ाता है ऐसा आप समझ लो, और उनकी जो IC होती है, रैम की IC जो होती है उनका भी अपना अपना एक प्रोसेसिंग स्पीड होता है। तो जो लेटेस्ट वाला होता है LDDDR4X वगैरह यो उनकी स्पीड और भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो 6 GB में ही अगर नॉर्मल रहा तो अलग स्पीड रहेगा, 6 GB में ही LDDR4X वगैरह रहा तो अलग स्पीड होगा, ठीक है। तो इंटरनल मेमोरी भी ऐसा ही है, UFS 3.0 जो है मिल जाए तो अच्छा है। इसकी भी स्पीड होती है, इंटरनल मेमोरी की भी स्पीड होती है, ठीक है। जब आप वीडियो शूटिंग करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, तब भी आपको समझ में आता है ये सब चीज़ें। तो देखिए आपको बजट के अनुसार UFS 3.0 LDDDR4X वगैरह मिले तो बहुत अच्छा है। और इंटरनल मेमोरी की अगर बात करें तो मैं कहूँगा कि अभी आने वाले टाइम के हिसाब से अगर आपका बजट है तो 128 GB ही लीजिए। अगर आपको घर में रखना है, जस्ट घर में रखना है, होम यूजर को यूज कर रहा है, तो 64 GB वगैरह ठीक है, पिक्चर विक्चर डाल के रख सकते हैं। एक्चुअली मैं सच पूछो ना तो 128 GB, 64 GB ये तभी भरते हैं जब आप हैवी वीडियो शूटिंग करो, ठीक है। ये इतनी जल्दी नहीं भरते हैं अगर देखा जाए तो, जब तक आप बहुत सारे मूवीज डाल के नहीं रखोगे तब तक 128 GB नहीं भरता है नॉर्मल यूज में, छोटे मोटे फोटो वगैरह खींचने में, ठीक है। तो ये होगी रैम की बात और इसकी इंटरनल मेमोरी की बात हो गई। अब प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, तो प्रोसेसर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप गेमर हो, पावर यूजर हो, तो आप देखिए कि आपका GPU जो है लेटेस्ट वाला है कि नहीं, आपके मोबाइल फ़ोन में प्रोसेसर आपका लेटेस्ट वाला है कि नहीं। वैसे अगर टॉप प्रोसेसर की अगर बात करें तो एप्पल का A13, A12, A11 बायोनिक प्रोसेसर अभी तक के सबसे बेस्ट प्रोसेसर में इनकी गिनती है। स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आप प्रेफर कर सकते हो, स्नैपड्रैगन का 665, 765, 865, 855 वगैरह प्रोसेसर, 855 वगैरह अभी लेटेस्ट है, लेटेस्ट मोबाइल फोन्स में आ रहे हैं, ठीक है। अभी 5G प्रोसेसर भी आ गया, वैसे 5G की तरफ भागने की मुझे नहीं लगती कि इतनी जल्दी है, वैसे भी अभी ये 2020 तो ऐसे ही खत्म होने वाला है कोरोना वायरस के चक्कर में, तो 2021 वगैरह में सोचा जाएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे 2021 में 5G प्रोसेसर के बारे में। तो आप इन प्रोसेसर्स को चूज कर सकते हो। हीलियो का प्रोसेसर भी बहुत ही अच्छा है, हीलियो का प्रोसेसर ले सकते हो, क्रीन का प्रोसेसर ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेसर का आप चुनाव आप कीजिए, आप क्रीन का 980 प्रोसेसर का चुनाव कर सकते हो। और एक और कैमरा वालों के लिए बताने बात रह गई कि सोनी का AMX अगर सेंसर वगैरह है तो उसको भी प्रेफर कीजिए, वो भी एक अच्छा सेंसर है, ठीक है। तो ये थी प्रोसेसर की बात, अपने बजट के अनुसार से प्रोसेसर को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं OS की। देखिए OS बहुत सारे टाइप के हैं, ठीक है। एक प्लेन OS भी मिल जाता है जो प्योर एंड्रॉयड होता है, ठीक है। उसमें ज़्यादा झाकझुक नहीं होता, ज़्यादा ग्राफिक्स नहीं होता, लेकिन बहुत ही फास्ट होता है, सिंपल होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, कोई भी ऐप को निकाल सकते हो, कोई भी ऐप को डाल सकते हो, लॉक नहीं होता वो ऐप, ठीक है। ये हो गया प्योर एंड्रॉयड वाला। एक MIUI वगैरह भी होते हैं, ऑक्सीजन OS है, तो OnePlus में ऑक्सीजन OS है, कहते हैं कि बहुत ही अच्छा OS है ये। और MIUI भी बहुत अच्छा है,
जैसे कि अलग अलग ओएस का अलग अलग अपना फंक्शन होता है, कुछ लोग कॉल रिकॉर्डिंग इनबिल्ट देते हैं उनके ओएस में, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फंक्शन, फाइल मैनेजर वगैरह तभी सब लोग दे रहे हैं। तो इस तरह से ओएस का चुनाव कीजिए। ओएस का चुनाव करते हुए आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि ओएस वो हो जो आपको हमेशा अपडेट देता रहे, सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह देता रहे। तो ओएस के केस में आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो ओएस जो है आपको यूजर फ्रेंडली हो, जिस ओएस से आप यूज टू हो, आपको उसकी आदत हो, वो ओएस आप प्रेफर कीजिए। क्योंकि होता क्या है कि नया ओएस मिल जाने से ना अचानक तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, कौन सा चीज़ कहाँ करे, कौन सा सेटिंग कहाँ छुपा हुआ है, ठीक है, इस चीज़ों की थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बट इतनी भी दिक्कत नहीं होती है, एक आध महीने दो महीने में आदमी को हैबिट हो जाता है, ठीक है। ये ब्रेन ऐसा चीज़ है ना कि किसी भी चीज़ को आप बार बार करोगे, यूज करोगे, तो वो चीज़ बराबर वो कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह की बात है। ओएस में जो बेस्ट ओएस है वो ऑक्सीजन का ओएस है, एमआईयूआई का ओएस है, प्योर एंड्रॉयड भी अच्छा ही ओएस है, और एप्पल का ओएस तो अच्छा है ही। अभी देखिए ये जो मैंने नाम लिए ना, ये सभी के नाम ले लिए अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको चूज़ कीजिए, जिसकी जो आपको अच्छा लगे ओएस, जो बार बार सिक्योरिटी अपडेट्स दे, आपको हमेशा अपडेट रखे, वो ओएस का चुनाव कीजिए, ठीक है। अब रही बात बॉडी की, तो जो लोगों के हाथ से मोबाइल फ़ोन गिरता है, होम यूजर है, वो लोग ग्लास बॉडी वगैरह यूज ना करें तो अच्छा है, ठीक है। वो लोग पॉलीकार्बोनेट बॉडी को यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है। मेटल बॉडी भी आते हैं तो बॉडी उतना खास नहीं है, बट अगर आप झाकझुक दिखाना चाहते हो, ज़्यादा शाइनिंग वगैरह करते हो, तो ग्लास बॉडी यूज कीजिए। कैमरा वालों, कैमरा प्रोफेशनल जो कैमरा के शौकीन, उनके लिए भी बॉडी उतना मायने नहीं रखता है, बट जो हल्का हो आपको, ठीक है, कैरी करने में ईजी हो, वो यूज कीजिए। आप गेमर हो तो उनके लिए भी बॉडी उतनी मायने नहीं रखती है, ठीक है। जो आपको ईजी हो वो यूज कीजिए, जिसमें हल्का वेट हो जिस मोबाइल फ़ोन का, वो यूज कीजिए। आपके हिसाब से हाथ से स्लिप ना हो जाए, कुछ बॉडी बहुत चिकने भी आते हैं तो हाथ से स्लिप होके भी गिरने के भी चांसेस रहते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं सर्विस सेंटर की। सर्विस सेंटर जिसका नज़दीक हो, आपके घर के आसपास, आपके एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में, उसको लीजिए, क्योंकि ख़राब होने के बाद बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है मेरे भाई, बहुत ही तकलीफ़ हो जाती है, ठीक है। आपको अगर कोई सस्ता मोबाइल फ़ोन मिल रहा है लेकिन उसका सर्विस सेंटर आपके आसपास नहीं है, तो एकदम सस्ता से सस्ता वाला लीजिए। इतना सस्ता वाला ना कि अगर वो दो महीने में, एक महीने में ख़राब भी हो जाए, आपको फेंकना भी पड़ जाए, और सर्विस सेंटर ना मिले, उनका रिस्पॉन्स अच्छा ना रहे, ठीक है, आपके एरिया में सर्विस सेंटर ही ना हो, तो भी आपको कोई गम ना हो, ये बात का ध्यान रखिए आप, ठीक है। एकदम सस्ता में मिले कौड़ियों के भाव, और वो पैसे बर्बाद हो गए एक दो महीने में, तो भी चलेगा, तो ही उस कंपनी का मोबाइल फ़ोन लीजिए जिसका सर्विस सेंटर नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। जिसके साथ बीतती है ना, उसको ये पता होता है ये सब चीज़, ठीक है। तो अभी देखता हूँ कौन से पॉइंट्स रह गए हैं, करीब करीब सभी पॉइंट्स कवर हो गए हैं। तो देखिए मुझे बताइए कि आप कौन सा मोबाइल फ़ोन चूज़ करते हो, मुझे नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपके कुछ और भी सवाल हो मोबाइल फ़ोन्स को बाय करने के बारे में, वैसे मैं हर महीने करीब करीब 50 से लेकर के 100 लोगों को उनके ब्रांड, उनके मोबाइल फ़ोन को सजेस्ट करते रहता हूँ। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपना बजट, ठीक है, अपना बजट जो है देख के चलिए। ये चीज़ें ऐसी है ना, मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना, कि हर 6 महीने 3 महीने में चेंज होते रहता है, ठीक है। तो इनके पीछे जितना भागोगे कोई फायदा नहीं है। आप बजट बढ़ा के भी, जम करके भी अच्छा वाला मोबाइल लोगे तो कि एकदम महंगा वाला, एकदम जान निकाल के, तो भी पता चलेगा 6 महीने के बाद उसके बाप लोग आ गए हैं, ठीक है। तो अपने क्वालिटी के हिसाब से, अपने यूज के हिसाब से मोबाइल फ़ोन लीजिए, तो अपने बजट के हिसाब से मोबाइल फ़ोन चूज़ कीजिए, क्योंकि आप कितना भी महंगा लोगे तो। आप एक और चीज़ ध्यान रखिए कि अगर कोई बहुत महंगा वाला मोबाइल फ़ोन है ना, जो बहुत ही महंगा वाला था लेकिन अभी 2 साल के बाद सस्ते में मिल रहा है, तो उसको प्लीज़ मत लीजिए, ठीक है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको पता है वो चीज़ कि मार्केट चेंज हो गया है। अभी उस कॉन्फ़िगरेशन का जो मोबाइल फ़ोन जो हम 50,000 में बेच रहे थे, अभी 15,000 में दे रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ कारण होता है, क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन पुराना हो चुका होता है, वो रैम की टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी होती है, वो प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी और कैमरे की टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी होती है, उसके अंदर के हार्डवेयर पुराने हो चुके होते हैं। वो आज के डेट में जो नया जो मिल रहा है ना 10,000 वाला, उसके कंपेरिजन का है जो 15,000 में दे रहे हैं आपको 50,000 वाला मोबाइल, ठीक है। तो इस तरह से है, तो कोई भी फ्लैगशिप बहुत बड़ा महंगा वाला 50,000 वाला आपको 15,000 में मिले तो मत लीजिए। लेटेस्ट वाला मोबाइल, लेटेस्ट हार्डवेयर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ रहिए। तो दोस्तों इसी तरह के साइंस टेक्नोलॉजी की बातें, वीडियोस, अनबॉक्सिंग हम इस चैनल के ऊपर करते हैं, नॉलेज की बातें। अगर आपको साइंस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों मुझे कमेंट में बताइए, इस वीडियो को तुरंत लाइक कर लीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि लाइक करते हो तो मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है, मेरी हिम्मत बढ़ती है, मुझे लगता है कि चलो
किसी ने तो अप्रिशिएट किया इस चीज़ को, इस वीडियो को, इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो ठीक है। तो फिलहाल तो लॉकडाउन में हूँ मैं, घर में ही बैठ के वीडियोज़ देखता हूँ, काम करता हूँ, ट्यूटोरियल्स, प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स वगैरह करता हूँ। आप भी समय का अच्छा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये समय दोबारा कभी आपके लाइफ में नहीं आने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं नए साइंस और टेक्नोलॉजी के वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।